लाइफ में हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। खुश रहने से पॉजिटिव एनर्जी रहती है। खुश रहने से जिंदगी पॉजिटिव और बेहद खूबसूरत लगती है। खुशियां तो हमारे अपने हाथों में होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, बाहर का मौसम कितना खूबसूरत है। फ्रेंड्स, बहुत प्यारा मौसम है। कॉफी मूड, चलिए प्योर मिल्की हॉट हॉट कॉफी पीते हैं। फ्रेंड्स, कॉफी रेडी। आइए फ्रेंड्स, हम लोग यहीं बैठकर बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कान की जो दर्दनाक घटना हुई है, दिल को हिला देने वाली, हम उस घटना पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज हमें फिर से ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या महिलाएं हमारे देश में वाकई सुरक्षित हैं। हमारे देश भारत में नारी को देवी के समान माना जाता है। फ्रेंड्स, विद्या के मंदिर में जहां स्टूडेंट्स का भविष्य निर्धारित किया जाता है, वहां एमएमएस बनाकर महिला ही महिलाओं को शर्मसार करेंगी तो किस पर विश्वास किया जाए? आखिर विश्वास किस पर किया जाए? बच्चों की उन्नति के लिए पेरेंट्स का ट्रस्ट होता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या शिक्षा की कोई भी संस्थाएं हो, फिर कहाँ कमी है जहाँ जीवन की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान की सिक्योरिटी में मैनेजमेंट कमजोर पड़ गया और उसे कुछ पता ही नहीं चला। एमएमएस बनाना इतना शर्मसार अंजाम है कि कुछ स्टूडेंट ने अपनी जान से छुटकारा पाने की भी कोशिश की। शिक्षा संस्थान तो स्टूडेंट्स को जीवन देता है। फ्रेंड्स, वहाँ अगर ऐसा कुछ होता है कि स्टूडेंट को अपना जीवन खत्म करने की सोचना पड़े, तो शिक्षा के मंदिर में इतना बड़ा अनर्थ, अफसोस, बेहद अफसोस। हमारा देश शिक्षित हो रहा है, ऐसे में इस तरह की दर्दनाक निंदनीय घटना स्टूडेंट्स का मानसिक संतुलन तक बिगाड़ सकती है। मीडिया रिकॉर्ड के आधार पर फोन में रिकॉर्डिंग्स भी मिली है। फ्रेंड्स, रात भर कुछ दिनों से मैं ये सोच कर करवटे बदलती रही कि महिलाएं आखिर सुरक्षित कहाँ हैं। हमारे देश के लिए यह बड़ा गंभीर सवाल है। आज हम सब डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है, डिजिटल दुनिया के साथ साथ इंसानों की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान के साथ होना प्राथमिकता है। ऐसी घटनाएं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी शिक्षा संस्थाएं या कहीं भी आगे नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। टेक केयर फ्रेंड्स।